नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लैंडर के ऊपर दरार आने का क्या कारण होता है। जब देखते होंगे आप लैंडर पर चलते हैं, लैंडर डलने के बाद अगले दिन उस पर चलें तो कहीं कहीं फटने का निशान जो होता है दोस्तों, ये होता है कारण कि लैंडर पे पानी नहीं मिल पाता। देखते आप बताता हूँ लोगों में पानी लैंडर की जरूरत। देखिए, सबसे पहले लैंडर पर जो है ना दोस्तों, ये जो है डस्ट का चारों तरफ से क्यारी वगैरह बना दीजिए, उसमें अच्छे तरीके से लैंडर के अगले दिन मतलब से इस पर स्टार्ट कर दीजिए, एक रद्दा लगा के चारों साइड और ऐसा घेरा बना के दोस्तों, उसमें जो है बॉक्स टाइप का बना के जगह जगह उसमें पानी भर दीजिए ताकि लैंडर अच्छी तरीके से पानी पी ले और वह मतलब फटे ना। फटने का कारण ये होता है कि धूप लगता है तो इस वजह से वो फट जाता है। इसमें पानी भिगोएंगे ना हम एक हफ्ते कम से कम, तो लैंडर ही अच्छी तरीके से पानी पी लेगा और उसमें धूप का कोई असर नहीं पड़ेगा। लैंडर फटता है इस वजह से कि उसमें धूप का अक्स होता है ना, मसाले पर डायरेक्ट पड़ता है इसलिए वो फट जाता है। पानी डालने से लेंटर बिल्कुल सख्त और मजबूत होगा, अच्छी तरीके से फटेगा नहीं। देखिए, इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें, लेंटर में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पानी के बिना इसमें कोई जान नहीं रहेगी और ये फटेगा भी नहीं। इस तरीके से देख लीजिए, क्यारी बना के डस्ट की है अपने हिसाब से, ज़्यादा बड़ा भी ना हो मतलब घेरा, ताकि टूट ना सके, इतना बना के पानी भर दीजिए। देखिए, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इसमें भी देखिए पानी भरा पड़ा है पूरे में। और इस मकान से कोई भी रिलेटेड वीडियो हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें मुझसे।